हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके चैनल इन्वेस्ट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक वीडियो यहां पर कल की डेट में बनाई गई थी गोवा कार्बन देखिए ब्रेकआउट हुआ था ब्रेकआउट के बाद यहां पर चीजें नीचे आती हुई दिखाई दी और एशियन ग्राइट से रिलेटेड काफी लोगों को कंफ्यूजन है ओके तो उस कंफ्यूजन के लिए मैंने ऑलरेडी पहले किस तरीके से अप्लाई करते किस तरीके से राइट इशू होते हैं ओके okay, वो मैंने पहले ही वीडियो बनाई है आई पे लिंक दे रखा है इस पर्टिकुलर वीडियो में बाकी इस बार के ग्रेनिटो का जब से ये राइट इशू आया है उससे रिलेटेड भी यहां पर इस पर्टिकुलर वीडियो में बताया गया है और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है क्या करना है क्या नहीं करना है उससे रिलेटेड जब यहां पर ये शेयर मार्केट में आ जाएंगे ओके okay, जब आपके डीमेट अकाउंट में आ, शो होने लगेंगे एट दैट टाइम इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना के दूंगा कि कैसे आपको किस किस वे से आप अप्लाई कर सकते हैं सो यू डोंट नीड टू वरी

तो क्या करना है क्या नहीं करना है उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले एक ओवरव्यू लेते हुए दिखाई देंगे मार्केट से रिलेटेड इस वीडियो में केवल यहाँ पर अलग अलग इंडेक्स से रिलेटेड बातें करेंगे बट अगली वीडियो में हम बातें करेंगे यहाँ पर आ, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड

ओके okay, ये हैमर यहां पर देखिए एक हैमर बनता हुआ दिखाई दिया है और जब भी ये हैमर बनता है तो याद रखिए मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि मार्केट यहां पर ऊपर जाती हुई दिखाई देती है देखिए यहां पर ये हैमर बना था चाहे किसी भी कलर का हो ओके okay, ग्रीन कलर का हो या रेड कलर का हो डजन मैटर तो यहां पर ये हैमर बना ओके okay, इसने इसे क्रॉस किया बट इसके कुछ रूल्स होते हैं उस रूल्स को यहाँ पर फॉलो करना जब बहुत जरूरी है कि मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए या फिर मार्केट में यहाँ पर वॉल्यूम अच्छे खासे होने चाहिए एज एज वेल पर आ, अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलर लेवल है जो उस लेवल से ऊपर जाना चाहिए उस टाइम ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर ये यह हैमर बना हैमर बनने के बाद यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दी ओके okay, और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक हैमर बनता हुआ दिखाई दे रहा है अगर यहाँ पर जो आज का हाई था सत्रह हजार पाँच सौ पिचानवे ओके okay, इसे क्रॉस कर देता है सत्रह हजार पांच सौ पिचानवे को क्रॉस कर देता है लगभग यहाँ पर अगर हम बात करें पैसठ पैसठ से सत्तर पॉइंट के आसपास भागता है तो यहाँ पर एक जंप देखी जा सकती है जो शायद इसे धीरे धीरे करके ऊपर ले जा सकती है तो कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं आती थोड़ा बहुत नीचे आती है फिर ऊपर से भागना शुरू करती है और इसे मेन ब्रेकआउट करने के लिए ये पर्टिकुलर लेवल जो इसका है अठारह हजार को अगर ये क्रॉस करता है तो ये यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है जो अठारह हजार इसे तीन तक फिर उसके बाद एक लेवल यहाँ पर दिखाई देगा जो इसका ऑल टाइम हाई था वहां तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो कंसोलिडेशन होता रहता है ओके और क्योंकि निफ्टी में अलग अलग, अलग पर तरीके के शेयर हर एक इंडेक्स के शेयर हर एक मेटल ऑटो यहाँ पर बैंकिंग सब शेयर यहाँ पर दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं से प्रेशर आता रहता है और जब सारी चीजें मिलके चलती है तो निफ्टी फिफ्टी भागता है बट अगर कुछ चीजें एक और दो सेक्टर यहाँ पर नीचे चलते हैं तो वही यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है तो निफ्टी फिफ्टी यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर ये लेवल यहाँ पर इसे क्रॉस नीचे का लेवल सत्रह चार सौ बयालीस यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह काम करेगा इस चीज को याद रखिएगा अगर इस लेवल को ये यहां पर से ब्रेक कर देता है तो इसमें और गिरावट आती हुई दिखाई देगी बट अगर यहाँ पर से ये पर्टिकुलर लेवल जो आज हाई है सत्रह हजार पांच सौ पिचनवे इसे यहाँ से ऊपर

शॉर्ट में लॉन्ग में और उस पूरी की पूरी क्लासेस होती हुई दिखाई देगी तो आइए वीडियो की तरफ और आगे बढ़ते हैं और और कुछ इंडेक्स से रिलेटेड पर बाते यहां पर बातें करते हैं अगर हम देखें निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक में आज गिरावट थी गिरावट के बाद एक अच्छे खासा यहां पर बाउंस बैक देखा गया लगभग तैतीस पॉइंट यहाँ पर ऊपर भागता हुआ दिखाई दिया देखिये नीचे के लेवल पर यहाँ पर यहाँ पर अगर हम आज का लो देखते हैं सैतीस हजार दो सौ चौसठ यहाँ पर और ऊपर का लेवल देखते हैं तो ऊपर के लेवल को अगर ये यहाँ पर से क्रॉस करता है ये जो आज का इसका हाई है ओके okay, तो यहाँ पर सैंतीस हजार नौ सौ सत्रह के आसपास अगर ये क्रॉस करता है तो यहाँ पर ये आ, इसे यहाँ पर क्रॉस करना है फिर इसके बाद इसे यहाँ पर जो यहाँ से नीचे आया था इस पर्टिकुलर कैंडल से अड़तीस हजार सात सौ साठ के आसपास यहाँ पर ये जाता हुआ दिखाई देगा उनतालीस हजार तीन सौ बहत्तर इस लेवल को क्रॉस करता है तो फिर ये धीरे धीरे करके सबसे पहले यहाँ पर चालीस हजार और फिर ये यहाँ पर इकतालीस हजार को भी क्रॉस कर सकता है बट लगातार कोई भी चीज ऊपर नहीं आती नीचे आती है इस चीज को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि सेक्टर रोटेशन नाम की भी चीजें होती है तो यहाँ पर बैंकिंग भागता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि बैंकिंग के नंबर काफी बेहतरीन आ सकते हैं और अगर क्या बैंकिंग के नंबर आते है तो चीजें अपने आप बट जैसे नंबर आ सब कुछ बैंक के नंबर आ एक महीना डेढ़ महीने का वेट करेंगे तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले एक से दो महीने के अंदर अंदर ये जो लेवल है अगर अच्छे नंबर आते हैं सारी मोस्टली बैंकों के इस लेवल को भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा इंडेक्स के लिए तैयार रहिएगा

मार्केट गिरेगी तब भी पैसा कमाएंगे मार्केट भागेगी तब भी पैसा कमाएंगे ये मेरा आपसे वादा है तो इस तरीके से हम बातें करेंगे बट अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक छोटा सा हैम्पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है बट इसको अगर ये इस, इस पर्टिकुलर लेवल जो आज का है चौतीस इसे क्रॉस करता है तो यहाँ पर धीरे धीरे करके ये शेयर यहाँ तक जा सकता है बट इसे रियल तेजी के लिए ये पर्टिकुलर जो लेवल है जो इसने अभी बनाया था छत्तीस इसे क्रॉस करना बहुत जरूरी है वरना ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर दायरे में यहाँ पर ये फसा हुआ है निफ्टी आईटी इंडेक्स ओके नीचे के लेवल की बात करें तो नीचे का लेवल हो सकता है कि यहां पर गिरावट हो ओके तो ये पर्टिकुलर आ, आ, इंडेक्स यहाँ पर तेतीस तक दोबारा आ सकता है और निफ्टी आई में इस केस में यहाँ पर गिरावट हो सकती है तो ये एक लेवल और दूसरा लेवल यहाँ पर दोबारा आते चीजें फिर ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी तो शायद इस इस दौरान जब तक ये पूरा इस लेवल तक आएगा और फिर नीचे तक आएगा तब तक सारी मोस्टली कंपनी के नंबर नंबर्स आ जाएंगे एक महीने का काम रहेगा और नंबर्स आने के बाद उसमें कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आप यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बनता हुआ दिखाई देगा तो अभी पैसा डिप्लॉय करने की जगह पैसा को मनी को रेस करना सीखे मनी को जब रेस करेंगे तो जितना आप तीन महीने चार महीने आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है सिंपली कब ट्रेड करना है मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ कि रिजल्ट आने दीजिए पेशेंटली यहाँ पर पे रिजल्ट को चेक करिए लिख के रखिए नोट करके रखिए और उसके बाद जब चीजें नीचे आ जाए चुपचाप इन्वेस्ट करिए और अगले रिजल्ट से पहले आपको आपके रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा हमेशा यहाँ पर एग्जिट एंट्री करने की मत सोचिए मैंने यहाँ पर इस दौरान यहाँ पर पैसे रिस्क किए ओके अपने पोर्टफोलियो से अपने कैश निकाला वेट कर रहा हूं जब चीजें यहाँ पर नीचे आ जाएंगी यहाँ पर एक्मिलेट करना शुरू करूंगा बहुत सारे आईटी स्टॉक्स जो मेरे अच्छे खासे हैं ओके okay, वो नीचे आ गए हैं वो उनसे रिलेटेड मैं बातें करूंगा बताऊंगा आपको भी और फिर जब यहाँ पर अच्छा खासा चीजें भागेगी तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेंगे अगेन यहाँ पर देखिए ये हैमर बना नीचे आई चीजें तो यहाँ पर गिरती हुई दिखाई दी तो इसी तरीके से यहाँ पर चीजें आती हुई दिखाई देती है इसके अलावा निफ्टी मेटल इससे रिलेटेड ये बातें कर लेते हैं तो आईटी और मेटल दोनों ने यहाँ पर आज के दिन में क्या दिखाया आज के दिन में दोनों ने यहाँ पर दिखाया कि यहाँ पर चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे रही है अगेन इसी तरीके का ये है, उल्टा हैमर बनता हुआ दिखाई दिया और चीजें यहाँ से नीचे आके यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ क्लोज हुई है और यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैंडल को भी इसने यहाँ पर क्रॉस कर दिया है अगर ये अपना यहाँ पर इस पर्टिकुलर का आज के लोगों को तोड़ देता है छह हजार चार सौ दिन को यहाँ पर तोड़ देता है तो यहाँ पर ये शेयर यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा इस पर्टिकुलर लेवल तक ओके यहाँ पर चौसठ सौ नौ तक और चौसठ सौ नौ तक अगर ये यहाँ पर आता है इसे भी यहाँ पर गिर जाता है तो यहाँ पर एक हर्डल्स यहाँ पर रहेगा फिर इसके बाद यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट्स पॉइंट बनते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर चीजें थोड़ी सी नीचे आ सकती है तो निफ्टी मेटल ने एक अच्छी खासी तेजी करी है ओके okay, तेजी के बाद चीजें यहाँ पर नीचे आएंगी नीचे आएंगी ओके okay, तब तक, तक रिजल्ट भी आ जाएंगे और रिजल्ट आ जाएंगे और सब कुछ आपको पता चल जाएगी अच्छी अच्छी कंपनी के रिजल्ट जैसे टिन प्लेट के आज रिजल्ट आए काफी बेहतरीन रिजल्ट आए फिर आप एक्यूमुलेट करना शुरू करिएगा टिन प्लेट भी यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आया भागा नहीं है नीचे गिरेगा एं, एंट्री कर लीजिएगा जब नीचे गिरेगा और अगली बार अगली बार जब रिजल्ट आएंगे उससे पहले तक 30 से 40 परसेंट के रिटर्न आपके बनते हुए नजर आएंगे तो यही सिंपल स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं निफ्टी मेटल में मुझे गिरावट दिखाई देती है ओके अगर अगर इस लेव, इस लेवल लेवल पे अगर ये यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता ओके तो याद रखिए ये पर्टिकुलर सपोर्ट है तो इसके बाद यहाँ पर चीजें यहाँ पर जाएगी और इसे भी क्रॉस कर देती है तो धीरे धीरे करके यहाँ पर चीजें नीचे आ सकती है कंसोलिडेट करेगी और फिर जब चीजें सेक्टर रोटेशन होगा तो यहाँ पर भक्ति दिखाई देगी तो सेक्टर रोटेशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं ओके okay, यहाँ पर धीरे धीरे एक पहले मेटल चला फिर उसके बाद बैंकिंग चला ओके okay, फिर उसके बाद आई चला इस तरीके से यहाँ पर चलते रहते हैं अब बैंकिंग का टाइम है शायद बैंकिंग यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है इसके अलावा हम और भी कुछ यहाँ पर देखे तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर एक मीडिया का भी है निफ्टी मीडिया ओके okay, यहाँ पर वो भी यहाँ पर इस तरीके से चलता हुआ दिखाई दिया अच्छा खासा है यहाँ पर भागा एक बेहतरीन सपोर्ट पे जो इसका ब्रेकआउट का पॉइंट था वहीं पर ही जाके रुक के यहाँ पर चीजें नीचे आ गई है और इस वजह से अगर हम बात करें अपने टीवी नेटवर्क 18, 18, पर पर ऊपर ऊपर के तो गए बट आके ये यह भी यहाँ पर नीचे आ गए और एक रेंज में फंस गए अगर ये इसे तोड़ देते सेवेंटी फाइव को तो यहाँ पर सीधे सिक्सटी नाइन और यहाँ पर नीचे आ सकते हैं तो रिजल्ट रिजल्ट आने का देखेंगे फिर एंट्री करेंगे अच्छा खासा पैसा अगेन बनता हुआ दिखाई देगा सेम नेटवर्क एटीन के साथ हुआ तो यहाँ पर इस स्ट्रेट को फॉलो करें ओके किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सिंपली यहाँ पर पैसा ऑटोमेटिकली बनता हुआ दिखाई देगा निफ्टी ऑटो तो, ओके यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई देता है अगर ये इस पर्टिकुलर लेवल को या यहाँ पर और मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूँ इस लेवल को अगर निकाल देता है ग्यारह के लेवल को यहाँ पर निकाल देता है तो चीजें यहाँ पर ऊपर जाती हुई दिखाई देगी जो शायद इसे यहाँ पर सबसे पहले 11,500 फिर 11,700 और फिर यहाँ पर 11,900 तक यहाँ पर इसे लेके जा सकती है तो निफ्टी ऑटो को में भी उसी तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है आ, बट और इसी तरीके से आप पर्टिकुलर स्टॉक्स के भी यहाँ पर टारगेट एज वेल एज पर्टिकुलर स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं उस तरीके से आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर फार्मा की बात करें फार्मा यहाँ पर देख सकते हैं तेरह हजार नौ सौ साठ का लेवल जब तक नहीं निकालेगा तब तक यहाँ पर तेजी नहीं होने वाली और फिर उसके बाद चौदह हजार दो सौ पैसठ का यहाँ पर रजिस्ट्रेंस खा देता है यहाँ पर दो रजिस्टरेंस है ओके ये यह रजिस्ट्रेंस यहाँ पर इसे क्रॉस क्रॉस करना है तभी यहाँ पर चीजें जाके अच्छी खासी दिखाई देगी और नीचे के लेवल पे ये पर्टिकुलर लेवल तेरह हजार चार सौ सत्तानवे पांच सौ का यहाँ पर लेवल ये एक अच्छा खासा सपोर्ट सपोर्ट यहां पर नजर आता है इसके अलावा और भी इंडेक्स की अगर हम बात करें हैं जैसे कि निफ्टी मिड कैप ओके निफ्टी मिड कैप जब तक यहाँ पर तेजी हो रही थी मैं हमेशा कह रहा था कि निफ्टी फिफ्टी जरूर गिर रहा है बट निफ्टी यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप दोनों भागते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चार्ट पे दिखा रहा था तो वही होता हुआ दिखाई दिया था बट अब क्या हुआ है अब थोड़ी सी चीजें बदल गई है ओके okay, इसने एक यहाँ पर जो इसका हर्डल था जिसे यहाँ पर निकालना था इसे का जो रजिस्टेंस था वो यहाँ पर रजिस्टेंस को निकाल नहीं पाया और आज के दिन में इसने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है नीचे के लेवल पे ओके और अगर ये अपना ही आज का लो अगर तोड़ता है जो की है तीस अगर ये लो तोड़ता है तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सपोर्ट नजर आएगा ये पर्टिकुलर लाइन पे वाला है तो इसमें कैप, कैप थोड़ा बहुत टाइम में।, में रिजल्ट आने के बाद जब चीजें अच्छी होंगी तब चीजें दोबारा यहाँ पर भागती हुई नजर आ सकती है ओके तो यहाँ पर घबराना नहीं है सिंपली ये इसी तरीके से चीजें चलती है लगातार तेजी नहीं होती तेजी होने के बाद चीजें यहाँ पर नीचे आती है पर देखिए दो तीन दिन से ट्राई कर रहा था कैंडल ने ट्राई पर, 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 अच्छा पर, पर तोड़ देता है तो सीधे दस हजार चार सौ ग्यारह और फिर उसके बाद यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल पे पर दस हजार सौ के लेवल पे और धीरे धीरे करके जो ये सारे के सारे पॉइंट बन रहे दस हजार चालीस यहाँ पर तक नीचे ले जा सकती है तो यहाँ पर तैयार रहिए इसमें और तेजी होनी चाहिए थी ओके इस और तेजी के लिए इसे इस लेवल को निकालना बहुत जरूरी है जो कि यहाँ पर ग्यारह हजार का लेवल आप कह सकते हैं इसे निकाल देता है तब तो यहाँ पर तेजी होगी उससे पहले यहाँ पर तेजी नहीं होने वाली अब बात करते हैं कुछ और सेक्टर की एफ की हम बात कर लेते हैं एफ की भी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी तेजी हुई तेजी होने के बाद यहाँ पर अगेन इसने इसी तरीके से यहाँ पर ये इनसाइड बार कह सकते हैं यहाँ पर ये कैंडल बना डोजी कैंडल बनाई और यहाँ पर धीरे उसे भी यहाँ पर आज के दिन तोड़ दिया तो यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट हो, होती हुई दिखाई दे रही है चीजें यहाँ तक आती हुई पैंतीस तक भी यहाँ पर आ सकती है तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा तो ये पर्टिकुलर इंडेक्सेस है इसके बेसिस पे आप काम कर सकते हैं सेम चीज़ें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आपके पास जो स्टॉक्स है या फिर जो आप स्टॉक्स लेने वाले हैं उसके बेसिस पे काम करके यहाँ पर अच्छा खासा पैसा शॉर्ट करके भी कमा सकते हैं लॉन्ग करके भी कमा सकते हैं में भी कमा सकते हैं, अलग अलग तरीके से जिसको जैसे आता है वो उस तरीके से अच्छा पैसा बनेगा बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल खुद की स्टडी करना है जितना हो सके सीखने की कोशिश करनी है हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर को लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को जितना हो सके यहाँ पर सपोर्ट करने की कोशिश करिएगा शेयर करिएगा और इन पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस